हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं सुनीता अग्रवाल लखनऊ से हूँ और मैं बहुत ही अच्छी और इंस्टेंट ये रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ शाही टोस्ट विद रबड़ी के साथ, तो रबड़ी भी हमारी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी और शाही टोस्ट भी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। तो मैं अपना लाइव शुरू करती हूँ, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं लाइव शुरू करती हूँ अपना। देखिए, शाही टोस्ट बहुत ही अच्छी रेसिपी है। पहले ये हमारे राजा महाराजा लोग पहले जमाने में जो मिठाई होती थी उसकी जगह पे ये शाही टोस्ट खाते थे। शाही टुकड़ा जिसको बोलते हैं, शाही टोस्ट भी बोलते हैं, तो वो खाते थे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने ये कढ़ाई में हमने रबड़ी बनाने के लिए थोड़ी देर पहले हमने ये दूध चढ़ा दिया था ताकि रबड़ी इतनी थोड़ा सा ये दूध जो है रिड्यूस हो जाए और ये गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए, रबड़ी हमारी गाढ़ी हो रही है और ये देखिए किनारे किनारे जो ये मलाई इसमें जम जाती है, तो वो हम इसको छुड़ाते रहेंगे और इसमें धीरे धीरे कर इसी में ये डालते रहेंगे। देखिए, ये खुरचन जो होती है ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इस रबड़ी में, तो इसको इस तरह से कर करके इसी में मिलाते रहें। ये देखिए, लाइव में देखिए हम दिखा नहीं सकते हैं इतनी जल्दी, तो हमने पहले से दूध चढ़ा दिया था और ये दूध मेरा, ये दूध गाढ़ा भी हो गया है। और ये देखिए, इस तरह से छुड़ा छुड़ा कर इसमें किनारे से छुड़ा कर इसमें बीच में ये डालते रहे। तो दूध देखिए ये गाढ़ा हो गया, आपको दिख रहा होगा। और इधर हमने कुछ केसर के धागे ले रखे थे गरम दूध में, ये देखिए भिगोकर रखा हुआ था, तो ये भी हम इसमें मिलाएंगे। अभी केसर के धागे नहीं मिलाएंगे। और यहाँ पे हमने ये कंडेंस मिल्क लिया है, अमूल का मिठाई मेड, तो इसे बनाए तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये हम इसी में मिला देते हैं, इसे बहुत ही अच्छा रबड़ी का स्वाद हो जाता है। अमूल के प्रोडक्ट तो आप लोगों को पता ही है कितने अच्छे होते हैं। और यहाँ पे हमको शुगर डालने की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें ये मिठाई मेड जो हमारा खुद ही मीठा होता है। वैसे आपको लगे कि मीठा कम है तो आप ऊपर से शुगर और डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो जरूर डालें। और यहाँ पे हमने एक बड़ा चम्मच आरारोट लिया था, उसको दूध में घोल कर रखा है, तो इस ये गाढ़ा करने के लिए हम डालेंगे और बहुत ही जल्दी ये रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है। बस इसको डालने के बाद हमें तुरंत इसको बराबर चलाते रहना है। और ये जो केसर को हमने गर्म दूध में भिगो के रखा था ये भी हम इसमें डाल देंगे, इसमें हमारा रबड़ी का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहे हैं, प्लीज आप लोग कमेंट करिए तो मैं उसका जवाब दूं। कुछ भी आप पूछ सकते हैं।
तो ये देखिए गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। मुझे कमेंट बिल्कुल शो नहीं हो रहा है। और इधर मैं बता दूं, इधर हमने ये ब्रेड ले रखा है, ये ब्रेड लिया है। ब्रेड आप जिसमें ये कॉर्नर होते हैं ब्राउन वाले वो भी ले सकते हैं, और चाहे तो ये जो कॉर्नर नहीं लगे होते हैं ब्राउन पार्ट आप उसको वैसे भी ले सकते हैं जैसा चाहें। यहाँ पे हमने ब्रेड जिसके कॉर्नर कटे हुए हैं उस तरह से हमने ये स्लाइस ले रखा है। कुछ हमने ऐसे लिए हैं और कुछ हमने पहले से, ये देखिए इन ब्रेड को तवे पे देसी घी डालकर हमने ये सेक के रखे हैं। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, चाहे तो तवे पे भी सेक सकते हैं, चाहे तो एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। तो हमने ये तवे पे करके रखा है। बहुत ज्यादा मतलब घी नहीं खाना चाहते हैं इसलिए इस तरह से कर रखा हुआ है। ये हम आपको फ्राई करके दिखाएंगे। और इधर ये देखिए रबड़ी बहुत अच्छा सा उबाल मार रही है। हेलो देश दीपक जी, हेलो जी, तो ये देखिए, देखिए कितनी अच्छी ये रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है। और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और इधर हम ये अमूल का घी, ये देखिए अमूल का घी हम यूज करेंगे। अमूल का घी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है और लाभदायक भी बहुत होता है। तो यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा ये घी लिया है, पैन चढ़ा दिया है और घी को गर्म कर लेंगे। घी को हम गरम कर लेते हैं और ये जो ब्रेड हमने ले रखी है, देखिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। कभी कुछ आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं और चाहे तो आप इसे बनाकर रख भी सकते हैं। जब आपका खाने का मन करे या कोई गेस्ट आ रहे हैं या कोई ओकेजन है आपके यहाँ कोई, तो आप इसे बनाकर फ्रिज में रख दें और फिर इसे खाएं, तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसा आप लाइक करें। तो देखिए घी गरम हो गया है, अब हम इस ब्रेड को हम इसमें डाल देते हैं। ये आपकी च्वाइस है कि आप फ्राई करना चाहते हैं ब्रेड को या तवे पे करना चाहते हैं या एयर फ्रायर में करें, जैसा आप पसंद करते हो उस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे पलट लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये आपकी च्वाइस है, हमने बताया चाहे तो आप फ्राई करें, चाहे तो थोड़ा थोड़ा बटर या घी डालकर आप तल सकते हैं या सेक सकते हैं जैसा आप पसंद करें। आप इसको खाने के बाद, डिनर के बाद या लंच के बाद आप इसे स्वीट डिश के रूप में भी खा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। प्लीज
प्लीज आप लोग कमेंट करिए, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं मेरे से। मैं लखनऊ से हूँ, मैं सुनीता अग्रवाल, मेरा यूट्यूब का चैनल है सुनीताज किचन विदाउट अनियन गार्लिक के नाम से, और मैं प्याज लहसुन नहीं यूज करती हूँ, और उस पे जाके आप हर तरह की रेसिपी देख सकते हैं। सभी कुछ हमने बनाकर उस पे डाला है। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करिए कि कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, बताइए। तो ये देखिए ब्रेड हमारी फ्राई हो गए हैं, कुछ हमने सेक के रखे थे और कुछ हमने ये तल के रखे हैं, आपको हमने दिखाया। और अब इसको देखिए हम अरेंज कर लेते हैं। ये हम एक बाउल लेंगे, ये देखिए इस तरह का हमने बाउल लिया है, और ये ब्रेड लगा देंगे। और इधर ये हमने एक चीज और हम आपको बताएंगे कि आप चाशनी भी बना, शुगर सिरप होता है वो आप बना सकते हैं। चाशनी को हमें चिपचिपी सी बनानी है, उसमें तार नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ पे हमने ये रसगुल्ले वाली, हमारे यहाँ सफेद रसगुल्ले आए थे उसकी चाशनी बच गई, तो एक तरीका हम आपको और बताते हैं कि उसका ये यूज करके आप बना सकते हैं ये रेसिपी। तो ये चाशनी बची हुई है, तो इसको हमने गर्म कर लिया था और ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको यूज करके भी आप शाही टोस्ट बना सकते हैं। तो ये हमने ब्रेड लिया, उसके ऊपर ये देखिए इस तरह से हम ये शुगर सिरप डाल देंगे। और इसके बाद ये जो रबड़ी हमने बनाई थी ये हम इसमें डालेंगे। ये देखिए रबड़ी बहुत अच्छी बनी है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आई है। और फिर इसके ऊपर हम ब्रेड और लगाते हैं। आप जितनी भी लेयर चाहें इसमें लगा सकते हैं। और फिर वही प्रोसेस हम करेंगे, शुगर सिरप डालेंगे, और फिर रबड़ी। और फिर इसके ऊपर से हम ब्रेड अरेंज करेंगे। अभी इसके ऊपर से फिर हम शुगर सिरप डालेंगे। और फिर रबड़ी डाल देते हैं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी हमारी शाही टोस्ट बनने वाली है, आप लोग भी इसे ट्राई जरूर करिएगा।
और यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट को काट के रखा है, काजू बादाम पिस्ता इन सभी को और काट के रखा है। देखिए आप जो चाहें इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है क्या आप लाइक करते हैं। और इसके ऊपर ये देखिए काजू, बादाम, पिस्ता, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लुक कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने कुछ गुलाब की पंखड़ियों को सुखा के रखा था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए शाही टोस्ट हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। आप लोग बताएं कि ये कैसा लग रहा है, और आप इसे ऐसा करें कि इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दें और फिर इसको ठंडा ठंडा सर्व करें, तब बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर आप इसको रख दें फ्रिज में तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और एक मिठाई जैसा ये लगेगा। अब मैं ये बता दूं कि आपको पहले जो राजा महाराजा हमारे होते थे वो इसको खाते थे मिठाई के तौर पे। तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं, मुझे उम्मीद है कि ये शाही टोस्ट हम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है सबको थैंक यू सो मच, और अमूल का, अमूल की टीम का, सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, जो एक हम लोगों के एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना जो कुकिंग का स्किल है वो हम दिखा सकें यहाँ पे आकर। तो थैंक यू सो मच, फिर मैं अपना लाइव एंड करती हूँ।